फ्रेंड्स, आज जिस फिल्म की बात होगी वो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है। राजश्री की फिल्में अपनी फैमिली वैल्यूज, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक के लिए जानी जाती है। सूरज बढ़ जाते हैं ऐसी फिल्मों की मास्टर है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट नहीं की। इस बार डायरेक्शन की कुर्सी पे उनके यंगर सन अवनीश बढ़ जाते हैं बैठे हैं। अब समझने वाली बात ये है, क्या अवनीश अपने फादर की ट्रेडिशन को फॉलो किए हैं, मतलब राजश्री की लिगेसी को आगे बढ़ाया है, या एक दूसरी ही तरह की फिल्म बनाई है। अब आती हूँ स्टोरी डिकोड सेक्शन में। कहानी है टूटे दिलों के साथ मिलने वाले दो अजनबियों की। देव सराफ राजवीर द्योल को मजबूरी में अपनी बचपन की उस दोस्त अलीना कनिका कपूर की डेस्टिनेशन वेडिंग में थाईलैंड जाना पड़ता है, जिसे वो बचपन से प्यार करता है, मगर 10 सालों से वो ये बात अलीना से कह नहीं पाया है। उसे शादी में मेघना दोषी फलोमा भी आई हुई है, जो दूल्हे रोहन खुराना की फ्रेंड है और जिसका हाल में ही 6 साल के रिलेशनशिप के बाद अपने बॉयफ्रेंड गौरव आदित्य नंदा के साथ ब्रेकअप हुआ है। और उसका ई-एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी शादी में दूल्हे के दोस्त के रूप में मौजूद है। देव और मेघना दोनों ही इस ग्रैंड वेडिंग के रस्म व रिवाज के बीच क्लोजर की तलाश में है और अपने प्यार और रिश्तों को समझने की कोशिश में एक दूसरे के करीब आते हैं। क्या इन दोनों को अपने रिश्तों का कंक्लूजन मिल पाता है? क्या देव अलीना के सामने अपने प्यार का इजहार कर पाता है? क्या देव और मेघना की क्लोजनेस प्यार में बदल पाती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर मिल पाएंगे। अब आती हूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। पहली बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभालने वाले अवनीश ने अपने फादर के फुटस्टेप्स पर चलते हुए बैकड्रॉप के रूप में शादी का माहौल रखा है और उस डेस्टिनेशन वेडिंग में कहानी को यूथफुल बनाया है। फिल्म में सपोर्टिंग किरदारों के साथ उन्होंने हंसी मजाक को भी बनाए रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों और कहानी को एस्टैब्लिश करने में जाता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है। हालांकि 2.5 घंटे की लंबाई थोड़ी कम होती तो कहानी क्रिस्प हो सकती थी। अवनीश ने ये फिल्म थाईलैंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के रंग में पेश की है, तो रंग बिरंगे अट्रैक्टिव सेट और कॉस्ट्यूम शादी के रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अवनीश ने मन्नू शर्मा के साथ मिलकर लिखी है और उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि दो जनरेशन्स के कॉन्फ्लिक्ट में वे आज के दौर की सोच को पेश कर सके। कहानी के जरिए वो शादी में एक तरफ इक्वलिटी का मैसेज देते हैं तो दूसरी तरफ ये कहना नहीं भूलते कि प्यार के लिए अपने एग्जिस्टेंस को कुचल देना सही नहीं है। म्यूजिक की बात करें तो राजश्री के फिल्मों से ब्लॉकबस्टर म्यूजिक की एक्सपेक्टेशन होती है, मगर यहाँ म्यूजिक उतना अपीलिंग नहीं है। शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक में 8 गाने हैं, जिसमें से टाइटल सॉन्ग दोनों मन मौजी खम्मागढ़ी के अलावा दूसरे गाने फिल्म की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं। जॉर्ज जोसेफ का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सीन्स को इम्प्रेसिव बनाता है। चिरंतन दास की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। फिल्म को बड़े ही ग्रैंड स्केल पर शूट किया है, बट श्वेता वेंकट मैथ्यूज की एडिटिंग डल है। फिल्म का क्लाइमेक्स मज़ेदार है। 5 अक्टूबर से नज़दीकी सिनेमाघरों में चल रही है। अब ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो राजवीर और पलोमा की जोड़ी ताजगी लिए हुए है। कहानी में उनके किरदार नेचुरल और सिंपल नज़र आते हैं। खुद को लूजर मानने वाले लड़के के रोल में राजवीर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहीं खुद को इन्फीरियर समझने वाली लड़की के रोल में पलोमा परफेक्ट लगी है। इन दोनों नए चेहरों को अभी लंबा सफ़र तय करना है, मगर पहली फिल्म के लिहाज से दोनों की मौजूदगी फ्रेश लगती है। राजवीर और पलोमा की पैरलर कनिका कपूर और रोहन खुराना भी जमे हैं। अदर कैरेक्टर्स में अदिति नंदा, गरिमा अग्रवाल, मानिक पपनेजा ने अच्छा साथ दिया है। बोल सकते हैं सपोर्टिंग कास्ट मजबूत है। साफ सुथरे रोमांटिक फिल्मों और नए चेहरों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।